अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर नींबू का पेड़, जिसमें नींबू भी लगे हुए हैं। आप उन्हें अपनी छतों पे लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, या फिर जहाँ कहीं आपके पास जगह हो, जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती हो, आप वहाँ लगा सकते हैं। जो वीडियो में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये नीम के फूल आए हुए हैं। आप इसे चमेली मत समझ लेना, ये नीम के फूल हैं। ओह सॉरी, नींबू के फूल हैं। इसमें देखिए नींबू, छोटे छोटे भी नींबू लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। देख लीजिए अगर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो पिद्दी पिद्दी से। और एक आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए छोटा छोटा सा है, ये भी लगा हुआ है नींबू। और एक अभी यहाँ पे बड़ा था, ये देखिए, ये सारे नीम के पेड़ बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आप देख ही सकते हैं वीडियो में। तो आप इन्हें अपने घर पर ले जा कर के आराम से कहीं पर भी लगा सकते हैं, घर की सुंदरता भी बढ़ेगी और आपको खाने के लिए ताज़े फल मिल जाएंगे, जिसमें ज़रा भी मिलावट, ज़रा भी कुछ नहीं रहेगा, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए ये फूल का पेड़ है जी, भी ऐसे ही हैं, आप इन्हें उठा सकते हो, आराम से कहीं पर भी बाहर निकाल सकते हो, और जहाँ मन करे आप उन्हें लगा सकते हो। और पानी देने की भी झंझट ज़्यादा नहीं रहती इन पेड़ों में, नींबू में, नीम में, और जो फूल आप देख रहे हैं इनमें भी पानी देने की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये अपने आप ही, मतलब एक बार पानी दे दो तो हफ्ते में बस एक बार आपको पानी देना होगा, बाकी ये खुद ही होते रहते बढ़ते रहते हैं। ये आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए, ये है ना पेड़ फूल का, आप इन्हें हफ्ते में बस एक बार पानी दे दो और ये आपके घर को सुंदर बनाते रहेंगे और आपके घर की हवाओं को भी शुद्ध कर देंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। ये पूरी नर्सरी है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरा बस वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि आप लोग पेड़ लगाते रहें अपने आसपास, जहाँ कहीं भी हों, और मेरी वीडियो देखते रहें साथ में। साथ में भी पेड़ लगाने का ही काम करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है या मैं अपने गाँव जाता हूँ। तो फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ आया हूँ मैं पार्क में, सॉरी पार्क नर्सरी में। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए छोटे छोटे फूल, जहाँ पे बिल्कुल थोड़ी जगह होती है, हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ के लिए हम छोटे छोटे फूल ले सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे फूल हैं, ये देखिए। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे बार बार, यहाँ जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आपको लगे हुए, प्लांट जो भी हैं, वो सब ये मिट्टी के बर्तन में लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको प्लास्टिक के बर्तन देखने को नहीं मिलेंगे, और प्लास्टिक के बर्तन में हमें लगाना भी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे सेरेमिक, ये बांस का पेड़ है, यहाँ पे भी सेरेमिक का बाउल है, ताकि इसमें पानी स्टोर रहे, और पानी निकलने के लिए जगह ज़रूर होनी चाहिए बांस के पेड़ में या किसी भी पेड़ में, तो थोड़ी बहुत धूप तो चाहिए चाहिए। ये भी उसी टाइप का पेड़ है, इसमें भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, बस एक बार लगा दो फिर उसमें हफ्ते हफ्ते में पानी देते रहो, आराम से चलते रहते हैं ये सारे पेड़। ये देखिए पूरा साइडों साइड में उन्होंने रख रखा है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं, किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा, आपके आसपास जो भी नर्सरी होगी वहाँ आपको ये सारे पेड़ मिल जाएंगे जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पेड़ तो आपने देख रखे होंगे पार्क में अपने आसपास, बस वही सब पेड़ हैं। यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों, पूछो ना। ये देखिए ये सब ऑक्सीजन को प्योरीफाई करने वाले पेड़ हैं, जितने भी आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्योरीफाई करते रहते हैं। जब ऑक्सीजन प्योरीफाई रहेगा आपके घर का, तो आप भी स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, यही मेरा नारा है, यही मेरा कर्तव्य है करने का। देखिए ये सब बैम्बू ट्री हैं, सब बेचने के लिए उन्होंने रख रखा है, लोग कई सारे लोग ले भी जाते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे फूल के पेड़ हैं, गमले रखे हुए हैं, तरह तरह के फूल हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरफ, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सारे फूल, आप इन्हें अपने घर पे अवश्य लगाएं। ये देखिए दोस्तों
देखे हैं तितली भी उड़ रही है यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये भी एक स्पाइडर प्लांट बोलते हैं इसको। ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी ऑक्सीजन प्योरीफाई करता रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इन्होंने इन पेड़ों को आपने ऑफिस में भी देखा होगा, आपने आसपास के या फिर आप जहाँ ऑफिस जाते हैं वहाँ पे भी देखा होगा, साइड में लगे रहते हैं ये सारे पेड़। ये सारे पेड़ ऑक्सीजन को मतलब फिल्टर करके ताज़ी हवा में कन्वर्ट कर देते हैं, इन पेड़ों का ये काम है। फिर इधर आ जाते हैं गुलहड़ का, ये सॉरी गेंदे का फूल है, देख लीजिए आप लोग, सब गेंदे के फूल हैं। और इधर दूसरे पेड़ है कैक्टस का है, इसमें देखिए कांटे लगे हुए हैं, कैक्टस का है ये। ये देखिए दोस्तों, कई प्रकार के पेड़ हैं इनके पास, मैंने कई सारे पेड़ ले भी लिए हैं, अब उनको मैं शॉर्ट वीडियो में डालता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, और आपको यही कहना चाहूँगा।